अगली खबर वल्लभगढ़ से है, जहां पर दो गुटों में चाकूबाजी हो गई और इसी दौरान झगड़े में बीच बचाव करने आए एक युवक को भी चाकू लग गई है। आपको बता दें, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और अब मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। मामला बल्लभगढ़ का है, जहां पर दो गुटों में पहले चाकूबाजी हुई और इस दौरान झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान एक युवक को चाकू लग गई, जिसके बाद युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है, आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। तो वल्लभगढ़ का ये मामला सामने आ रहा है, जहां दो गुटों में चाकूबाजी हुई है, झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान एक युवक को चाकू भी लग गई है, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। वल्लभगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो गुटों में चाकूबाजी हुई, झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान युवक को चाकू लग गया। हाँ, वो मेरा भाई था, सुभाष नाम था जी उनका। अब यहाँ की बात है, रोड पे हाँ, तो किसी की लड़ाई हो रही थी और मेरा भाई बीच में वहाँ से जा रहा था, वो छुड़वाने लगा, बीच बचाव करवाने लगा, तो उसी को चक्कू मार दिया उन्होंने और दो लड़कों के और मारे हैं। ये किसी साइकिल वाले की दुकान पे थे, तो वहाँ झगड़ा हो रहा, तो ये बीच बचाव करने लगे, तो इसके चक्कू मार दियो और दो बंदे को और इनके चक्कू मारा। कुछ पता चला ये खाली बीच बचाव के लिए ही गए, इनको कोई झगड़ा नहीं है उनसे।